वो आए और अपनी बात रखें, नेहा फाउंडेशन के बारे में और आप सबके लोगों के बारे में, तो वो अपने कुछ विचार रखें। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। मंच पर श्रीमान केलकर जी बैठे हैं, अभी उनकी आप लोगों ने अभिव्यक्ति सुना और नेहा जी इन्होंने तो आप लोगों को आमंत्रित करके यहाँ बुलाया ही है। नेहा फाउंडेशन की तरफ से ये एक विशेष प्रयास, क्योंकि हाँ ये अच्छा काम है, महिला दिवस की पूर्व संध्या है तो ज़्यादा महिलाएँ होनी चाहिए, लेकिन कम से कम नेहा फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रयास हो गए। व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ इनके प्रयास जो भी हैं बहुत ही सार्थक होते हैं, समाज के लिए उपयोगी होते हैं और महत्वपूर्ण भी होते हैं। इसलिए इनके कार्यक्रम की जब भी चर्चा होती है तो न केवल नेहा फाउंडेशन बल्कि एक लंबा इनका जो कंट्रीब्यूशन है सोशल वर्क का, वो सब मेरे मस्तिष्क में आने लगता है। लेकिन आज महिला दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग यहीं कर रखा है तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि हमारे देश में महिलाओं की क्या हुआ है, आप तो आप अगर इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो इनको बाहर ले जाइए, पानी पानी दीजिए। एसी भी कम करा दो, दिक्कत हो रही है। एसी कम कर दो थोड़ा, एसी अगर बंद हो जाएगा तो हम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। आप थोड़ी देर इनको बाहर नहीं तो ले जाइए, कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए ताजी हवा में बाहर ले जाइए। बाकी लोग शांत रहिए, बाकी लोग प्लीज बैठे रहिए। हरजी शास्त्री जी आप बोलिए। इनको बोर्ड रूम है उधर ले जा करके आराम से बैठाइए या लेटा भी सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कोई व्यक्ति सुन रहा है तो इनकी मदद करें। तो मैं कह रहा था कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस के पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता और दिल्ली प्रदेश की वरिष्ठ नेता नेहा सालिनी ध्रुव द्वारा जो ये कार्यक्रम का आयोजन है, ये कई मायने में बहुत एक तरह से देखा जाए तो समसामयिक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से इस वर्ष जो थीम लिया गया उस थीम को भी मैं चाहूंगा कि यहां आप लोगों के समक्ष रखूं। वो थीम है चूज टू चैलेंज, यानी हम जो चुनौतियां हैं समय की उसको स्वीकार करते हैं, जैसा महिलाओं के लिए ये तरह से थीम तय किया। और इस थीम में दो तीन बातें अपेक्षा की गई है कि लोगों तक पहुंचे। इस थीम का तीन आयाम है। पहला तो ये कि महिलाएं जागरूक हों, उनको अपने अधिकार के प्रति संवैधानिक
जो इस देश का ढांचा है उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आने वाले चैलेंज का वो सामना कर सकते। और दूसरा, जीवन की किसी भी तरह की जो चुनौती है उन चुनौतियों का भी सामना होता है। और तीसरा आयाम यह है कि अगर आप जागरूक होंगे और आप चुनौतीपूर्ण जो समय का सामना करेंगे तो निस्संदेह एक बड़ा चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। तो जागरूकता, चुनौती और परिवर्तन, यही जो चैलेंज का एक तरह से थीम। और मैं समझता हूं कि यहां बहनों की संख्या काफी है, अच्छी खासी है। आने वाले एक साल में जब चैलेंज का यह थीम जन जन के सामने से गुजरेगा तो उन्हें भी ये स्मरण होना होगा कि हमें किस प्रकार से अपने इस आने वाले समय का सामना करना है। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में केलकर जी ने अभी बताया कि किस तरह से योजनाबद्ध ढंग से इस देश को एक लंबी गुलामी या एक गुलामी के समय में एक ऐसा प्रभाव छोड़ दिया जाए कि समाज उससे बाहर ही निकलने में उसको सैकड़ों साल लगे, ऐसी स्थिति पैदा की गई थी। और इसी का एक हिस्सा था कि इस देश में महिलाओं को हीन भावना से ग्रसित कराया, बांटा गया था। और बहुत सारे उनके आरोप प्रत्यारोप हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के ऊपर भी रखा गया, डाल दिया गया। उदाहरण के लिए कैसी कैसी चीजें जिसका आप लोगों को अगर उदाहरण सामने आएगा तो अजीब सा लगेगा कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी इस देश के साथ हुई। जैसे कहा गया था और आप लोगों ने सुना भी होगा कि महिलाओं को वेदाधिकार नहीं, वेद पढ़ने का। अरे आश्चर्य होता है, चार वेद हैं ये तो आप सब लोग जानते हैं। वैसे तो वेद की 1153 शाखाएं होती हैं लेकिन उनमें चार प्रमुख शाखा होती है और उसकी पहली शाखा ऋग्वेद। वेद स्वयं को स्वयं प्रकट हुआ है लेकिन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उन्हें प्राप्त किया है और उसको जन कल्याण के रूप में प्रारूपित किया है। ऐसे में अगर मंत्र दृष्टा ऋषियों की काउंटिंग किया जाए तो केवल ऋग्वेद के लगभग 300 मंत्र दृष्टा ऋषि हैं और उन 300 मंत्र दृष्टा ऋषियों में 1/3 यानी लगभग 1/3 महिला ऋषि हैं। सत्यभामा, लोकमुद्रा, गार्गी, मैत्री, ये सब तमाम ऋषि हैं, महिला ऋषि, जिन्होंने वेद को का मंत्र दर्शन किया है, वेद को लिखा है। और अगर महिलाएं वेद को लिख सकती हैं तो उनको वेदाधिकार क्यों नहीं होता। ये हमारे देश को बड़ी योजना के साथ, जैसा कि आपने केलकर जी ने बताया कि मैकाले जिसने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा करने के बाद एक चार्टर तैयार किया था कि ब्रिटिश हुकूमत की आयु को कितना लंबा किया जा सकता है और इसके आधार पर उसने बहुत सारी योजनाएं, बड़ी खड़ंतकारी योजनाओं का उन्होंने प्रतिपादन किया था और इस देश पर लागू भी किया। 1835 में आप समझ सकते हैं, आज भी हमारे देश की एजुकेशन के संदर्भ में यही कहा जाता है कि यहाँ तो अशिक्षित बहुत लोग हैं। लेकिन धर्मपाल जी एक बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे, हिस्टोरियन थे, उन्होंने ब्यूटीफुल ट्री नाम की एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत की शिक्षा का जो स्वरूप था उसकी कल्पना भी आज नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में 1835 तक इस देश में लगभग 96% लोग शिक्षित हुआ करते थे। आज केरल के बारे में कहा जाता है कि वहां 100% लिटरेसी है, पर हमारे देश में 100% लिटरेसी था। और जिस वर्ग के बारे में खासतौर से कहा जाता है कि दलित वर्ग या पिछड़े वर्ग के लोग,
या ट्राइबल जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड है, ये बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, आज भी है ऐसा है, पर इनकी संख्या 1835 में इनका एजुकेशन 100% था, यानी सभी पढ़े लिखे हुआ था। ऐसे में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया इस देश में? ये सब ऐसा विषय है, सोच का विषय, जिस पर हम सब लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी चतुराई के साथ एक महान संस्कृति को और महान संस्कृति के अनुपालकों को किस तरह से इतना डैमेज किया गया। आज पश्चिम के लोगों को कहा जाता है कि यूरोप के, अमेरिका के लोग भी बहुत आगे, खासतौर से महिला चिंतन के संदर्भ में तो उनको हमसे बहुत आगे माना जाता है, पर यही वो यूरोप है जहां 15वीं शताब्दी में लगभग 10 लाख महिलाओं को ये कहकर के मार दिया गया था कि ये डायन विचक्राउट है। ये एक इतिहास है, सोच सकते हैं, यदि ये एक तरह से देखा जाए तो अनपढ़ पना का हाइट था। इतने अशिक्षित लोग थे यूरोप में कि वहां पर अपने यहां महिलाएं जो होती थी उनकी हत्या कर दी जाती थी, ये कर करके कि ये महिलाएं नहीं है, ये डायन। उन पर आरोप क्या लगता था? उन पर आरोप लगता था कि ये बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, इसलिए ये डायन इनको नाम। ये आरोप लगता था कि ये बहुत अट्रैक्टिव है, इनको मार, ये डायन। ये कहा जाता था कि ये बहुत चार्मिंग है, इसको मार। इतने नहीं, हिप्नोटाइजिंग पर्सनालिटी ऐसा कह करके महिलाओं की हत्या की जा रही है। क्या कभी भारत में ऐसा हुआ? आज भी भारत में है कुछ, जैसे उड़ीसा में और बंगाल में विचक्राफ्ट की समस्या है, लेकिन प्रॉपर्टी के विवाद के लिए ऐसा किया जाता है, जिसमें घर में एक आध महिला होती बची रहती है, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत रहता है, तो उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करके उनकी हत्या कर दी जाती है, हमारे देश में होती है। पर ये आज हमारे यहाँ जिस तरह से हो रही है, जो लोग सो कॉल्ड ये कहते कि हम बहुत ही आगे थे, उनका ये सो, हमारे देश में नारी को अबला कहा जाता है। अबला, अबला का मतलब भी समझा जाए, और असीमित किसको कहते हैं? जिसकी कोई सीमा नहीं, यानी अगर किसी के पास इतना बल है कि बल की कोई सीमा नहीं, उसको अगर अबला कहा जा रहा है, तो ये हमारे यहां इसको ग्रामेटिकल मिस्टेक में डाल दिया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, अबला का मतलब कमजोर होता है, और असीम या कहीं भी कोई अनंत भाव लाया जाता है तो वहां पर आ लगा करके उसका व्याकरण संबंधित स्वरूप बना दिया जाता है। नेहा फाउंडेशन की तरफ से इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है हमारे यहाँ, खासतौर से जो दिव्यांग लोगों को यहाँ पर बुलाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है महिला दिवस की पूर्व संध्या पर। मैं ऐसे दिव्यांग जो हमारे साथी हैं, हमारे देश के नागरिक, उनका पूरा इस देश पर हक है, और वो सम्मान के साथ कैसे जी सकते हैं, इसको इसकी संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश में, ये व्यवस्था शुरू से थी, जब से देश आजाद हुआ तब से, परंतु इस देश के लोगों को समझने वाले प्रशासनिक लोगों की कमी थी, या इस देश में जो नेतृत्व था वो हमारे देश की इस क्षमता को समझता ही नहीं, सम्मान देने की तो बात ही बहुत दूर है। लेकिन जैसे इतिहास बदलता है, इतिहास में नए नए पन्ने जुड़ते हैं, 1914 में इस देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और इतिहास की पुस्तक को एक तरफ रख दिया गया और एक नए इतिहास का शुरुआत किया, और मोदी जी के नेतृत्व में जब ये सारी चीजें चली, तो आज जीवन का कोई एक ऐसा आयाम नहीं है जो छूट गया उनकी नजरों से।
वो गरीबों के लिए अगर शौचालय की व्यवस्था करते हैं, माताओं बहनों के लिए अगर चूल्हे की व्यवस्था करते हैं, तो ऐसे ही हमारे देश में जो हमारे दिव्यांग बंधु थे, समाज था ये, इसको कैसे डिग्निटी के साथ वो जी सकते हैं, इस पर भी चिंतन करते हुए मोदी जी ने बड़ी गहराई से और तमाम योजनाओं के साथ इस समाज को जोड़ करके इसको सबल बनाने का, उनको सम्मानित करने का काम, और यह सिलसिला चले और आने वाले समय में पूरा देश का इतिहास ज्ञान विज्ञान टेक्निकल नो हाउ में दुनिया का मार्गदर्शन करता था ये देश। लेकिन आज ये देश अपने ही दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, पर अब उसमें परिवर्तन आया। आप देखिए ना कंट्रीब्यूशन इस देश का है। अगर वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज का निर्माण नहीं किया होता तो पुष्पक विमान और हमारे सभी देवी देवताओं के पास उनका अपना निजी विमान था, क्या यह सत्यापित होता, वेरीफाइड होता? अगर चांद सितारों की दूरियों को नहीं नापा गया होता तो हमारे ज्योतिष की किताब में दसियों हजार साल पहले वो सारी दूरियां लिखी हैं, वो कैसे वेरीफाई होती है? अगर टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा नहीं हुआ होता तो अत्रि ऋषि चंबे के पात्र में पैदा हुई या कौरव स्वर्ण कलश में पैदा हुई, ये कैसे वेरीफाई होता? हम तो सुबह उठकर के प्रार्थना करते हैं कि विज्ञान का क्षेत्र और भी विकसित हो, विज्ञान जितना भी आगे बढ़ेगा वो कोई नया चीज नहीं करेगा, सिर्फ हमें वेरीफाई करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, और जो कुछ भी करेगा वो सिर्फ हमें वेरीफाई। लेकिन प्रश्न ये उठता है कभी कभी, लोग कहते हैं कि 130 करोड़ का ये देश इतना पीछे क्यों है, कहां से पिछड़ गया, कैसे पिछड़ गया? मैं एक बार बोन यूनिवर्सिटी में जर्मनी में भाषण कर रहा था, तो वहां मैंने जब ये सब बातें कही तो एक व्यक्ति वहां हंस दिया सामने बैठा। हमने कहा कि एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू लाफिंग? नो 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 डॉक्टर शास्त्री, प्लीज कंटिन्यू। तो हमने बड़ा अजीब सा लगा, उनकी हंसी मुझको तीर की तरह चुभी रही, आप कल्पना कर सकते। मैंने कहा नहीं नहीं मैं जानना चाहता, आई वॉन्टेड टू नो अबाउट इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर लॉ? नो 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 प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू, आप बोलिए बोलिए। मैंने कहा अगर आप हमें नहीं बताएंगे कि आपके हंसने के पीछे क्या कारण है तो मान लीजिए कि मेरा भाषण भी इन पर पूर्ण होगा, और एक कठिन मैं। इसके बाद वो गुस्से में तमतमाते हुए, ओ शास्त्री व्हाट यू सेइंग, यू आप कहते हैं कि सारा ज्ञान विज्ञान आपको केवल सत्यापित कर रहा है, और आप हमने ये भी कहा था कि हमारी कोई भी बात अगर लैब में प्रूव नहीं होती तो उसको मानने की जरूरत है, यू कैनॉट प्रूव एनीथिंग। तब मैं भी धीरे से खड़ा हुआ, मैं कहा इसके एक हम जानना चाहते हैं कि कोई एक ऐसी बात बताइए जिसको हम लैब में प्रूव करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि वेल आप तो प्लांट और वेजिटेशन की पूजा करते हैं, अभी आपने बताया कि कोई भी ऐसा जड़ नहीं है जो औषधि के रूप में नहीं उसका उपयोग। हमने भी उनको कहा देखिए हमारे यहाँ धन्वंतरी ऋषि थे और बहुत से छात्रों को पढ़ाते थे, और शिक्षा के उपरांत उन्होंने कहा कि आप लोगों को एक मैं टास्क देता हूँ होमवर्क, आप लोग जाइए और एक ऐसा वेजिटेशन लाइए जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी ना हो। तो कोई लौटा ही नहीं, बहुत दिनों बाद कोई एक उनका स्टूडेंट आया एक कोई प्लांट वेजिटेशन लेकर, और उसने कहा कि इसके बारे में तुम जानना चाहते। तो उन्होंने कहा कि अब तुम 6 महीने और रहो आश्रम में, इसके बाद तुम्हारे समझ में आएगा, यानी कोई ऐसा वेजिटेशन नहीं। हमने कहा आप कहते हो हम प्लांट एंड वेजिटेशन की पूजा करते हैं, कोई पर्टिकुलर प्लांट का नाम तो बताओ। कहा पीपल का पेड़। हमने कहा इसके लिए तो लैब में भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आदमी को 20 सेकेंड ऑक्सीजन नहीं मिले तो कोलैप्स कर जाता है, और पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पौधा है जो डे नाइट दोनों टाइम मैक्सिमम ऑक्सीजन देता है।
अब ऐसे में अगर पीपल के पेड़ की हम पूजा नहीं करें तो क्या करें? हमारे पूजा का तात्पर्य यही होता है कि हम सुरक्षित रखें, साफ सुथरा रखें। हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम पहाड़ की पूजा करते हैं, हवा को देवता मानते हैं, उसके पीछे यही हमारा राज है। आप अगर मदर मेरी की पूजा करते तो आप नहीं चाहेंगे कि मदर मेरी की मूर्ति टूट जाए या गंदा हो जाए। हम भी सुरक्षा की इसी भावना से ये हमारे भी पूजा का एक तरीका है। यानी ज्ञान विज्ञान टेक्निकल नोहाउ में बहुत आगे है। ऐसे देश के ऊपर अगर ये कहा जाए कि हमारे यहाँ महिलाओं के साथ जागृति हो रहा है, उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाए, तो बराबरी क्या? महिलाएं तो अगर आप रामायण पढ़ें और जब अरण्य कांड में अगर पढ़ेंगे कि राम और सीता जब जंगल में थे और राम ने अचानक क्रोध में आकर के उन्होंने कहा कि हम सारे राक्षसों का संहार करेंगे और उनको इस पृथ्वी से समाप्त कर देंगे, ऐसा उन्होंने कसम खाया, तो सीता जी वहां थी अकेले, उन्होंने कहा राम पहले रुक जाएंगे, इन राक्षसों ने आपका बिगाड़ा क्या है कि आप इनको मारेंगे? बड़ा डायलॉग होता है वहां पर लंबा, वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ सकते हैं। और राम को ये उनको समझाना पड़ा कि इन राक्षसों को मारना कितना आवश्यक है। लेकिन सीता जी ने वहां पर एकदम से खड़ा करके प्रतिकार किया था, उनके इस जो उन्होंने भी एक तरह से सुनिश्चित किया था, कसम लिया था, उनकी कसम के संदर्भ में ये हमारे संस्कृति में महिलाओं को बराबर का हक दिया गया है। और हक का क्या मतलब दिया जाता है? मैं एक बार यंग पार्लियामेंटेरियंस की टीम में को लेकर के हम लोग फ्रांस, जर्मनी और रशिया गए। रशिया की हालत 90 में आपने आप लोग जानते हैं कि वो टूट करके खंड खंड हो गया, और मैं 98 में गया था। वहां पर जब मैं एक होटल में जाता, गवर्नमेंट होटल में, उसमें पुतिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में एक ही साथ में वो प्राइम मिनिस्टर भी हुए और प्रेसिडेंट भी हुए। मैं एक होटल में देखा एक महिला वहां बैठी हुई थी जब मैं गया रिसेप्शन। फिर मैं दूसरे दिन भी देखा, शाम को देखा वही बैठी। सुबह में 4 बजे उठने की मेरी आदत है, मैं उठ करके बाहर थोड़ा टहलने के लिए देखा तो उसी महिला को। मैं 3 दिन तक उस महिला को देख करके कंफ्यूज होने लगा कि वही है या एक ही चेहरे की यहाँ लोग। तो मैंने पूछा उससे कि आप क्या आप ही ड्यूटी लगातार कर रही हो, सुबह शाम हर सब चढ़ा दिखाई देते, रात में भी दिखते रहे? तो उसने कहा ये सर मैं ही हूँ। इतना लंबा आपका ड्यूटी? उसने कहा कि हाँ 4 दिन से लगातार मेरा डिलीवर नहीं है। सैलरी कितनी मिलती है? तो उसने कहा $100 उसमें, मतलब 5,000 रुपये, 40-45 का 4,500 रुपये। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी कम सैलरी में महिला को इतनी लंबा समय, और गवर्नमेंट होटल था, गवर्नमेंट ऑफ रशिया का होटल था, उसमें उसको इतनी लंबी ड्यूटी करनी पड़ी। उसी से मैंने पूछा तो उसने बताया जब मुझको, तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ जब महिला इक्वलिटी की बात आती है अपने देश में। उसने कहा कि हमारे यहाँ महिलाओं को 56 ईयर में रिटायरमेंट होता है और पुरुषों को 60 ईयर में। हमने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि महिलाओं को स्पेशल यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से, अपने होने वाले परिवार से, नाती पोतों से उसको दूर रहना पड़ता है, इसलिए उसको 4 साल का उसको ग्रेस दिया जाता है, और उसमें बकाया पूरा उसको 60 तक की सैलरी देकर के उसको रिटायर किया जाता है। कौन सी इक्वलिटी की बात कर रहे हैं? और इक्वलिटी की बात अगर आज भी देखा जाए तो यूरोप में महिलाओं की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उदंडता या स्वच्छंदता ये इक्वालिटी नहीं होता है, बल्कि इक्वालिटी तो ये होता है कि बराबर का सम्मान दिया जाए और निर्णय में उनको बराबर का भागीदारी करने के लिए अवसर दिया जाए। बहरहाल न्याय ने आज अच्छा एकत्रीकरण यहाँ किया है और आप सब लोग यहाँ पर हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। न्याय अगर प्रोत्साहित किया जाए
तो ये लोग न समाज में केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे बल्कि समाज को एक दिशा भी देने का काम। तो मैं इनको पुनः धन्यवाद देती हूँ। हमारी जो माधवी जी हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी बाड़ी से धन्यवाद सोनका शास्त्री जी, आप यहाँ आए और अपना कीमती समय आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ